हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे मास्टर केडर की फिज़िक्स। हमने लास्ट अपना टॉपिक एंड किया है मैकेनिक्स के साथ। मैकेनिक्स यूनिट हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम मूव करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट के साथ। नेक्स्ट यूनिट जो है, मैं जो हमने सोचा स्टार्ट करने के लिए, वो है ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स। तो इसके तीन पार्ट हैं। पहला है ऑसिलेशन, दूसरा है वेव और तीसरा है ऑप्टिक्स। तो इन तीनों में व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि मैं पहले ऑप्टिक्स से स्टार्ट करूँगी, ऑसिलेशन और वेव जो है वो मैं साथ साथ बाद में डिस्कस करूँगी। तो जो सबसे पहला पार्ट आता है ऑप्टिक्स का, तो ऑप्टिक्स में हमारे पास तीन तरह की चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले आ रहा है इंटरफेरेंस, जो जल्दी ख़त्म होने वाले हैं और बहुत ईजी भी हैं। दूसरा है डायफ्रेक्शन, तीसरा है पोलराइजेशन, और जो चौथा है वो है हमारे पास लेजर्स का। तो मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगी कि जो हमारे पास लेज़र है, एक अपने आप में ही यूनिक सा टॉपिक है, जिसमें आपने कुछ टॉपिक्स जो हैं, जैसे कि स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन, अगर आप देखेंगे कुछ टॉपिक्स हैं जो केडर के सिलेबस में मेंशन हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन, रेजोनेटर, हीलियम नियॉन लेज़र है एक, जो हमारा जो है वो हीलियम नियॉन लेज़र, और एक आर्गन का लेज़र आएगा, वो जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं शुरू करूँगी आज हमारे टॉपिक के साथ, दैट इज़ लेज़र। आज के टॉपिक में, लेज़र्स में, मैं आपको बताऊंगी कि स्पॉन्टेनियस एमिशन स्टिमुलेटेड एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ये टॉपिक कवर करेंगे। इसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे आज हम, ऑफ लेज़र ये डिस्कस करेंगे। सिर्फ आज ये दो टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे लेक्चर के साथ। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा लेज़र्स। लेज़र्स टॉपिक में को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि लेज़र का मतलब क्या है। लेज़र में जो एल है, इट्स लाइट, ए रेफर फॉर एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये जो आपका लाइट है, ये रेफर, लेज़र जो है वो रेफर करता है, एल स्टैंड फॉर लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। डन। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो आता है सबसे पहला, दैट इज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो स्टिमुलेशन का मतलब होता है कोई स्टिमुलस प्रोवाइड करना, स्टिमुलस प्रोवाइड करना। ये वीडियो जितनी छोटी हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं आपको जल्दी से जल्दी ये टॉपिक समझाने की कोशिश करूँगी। इन केस अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में ना मैं साथ में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगी, जहाँ पर आपको इसके नोट्स की PDF जो है वो मिल जाएगी। चलिए, तो अभी आप समझने पर ध्यान दीजिए। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेशन मतलब कि कोई चीज़ स्टिमुलस प्रोवाइड करवाना है। देखिए, जब हम फिज़िक्स की बात करते हैं ना, तो हम यहाँ एनर्जी लेवल्स लेते हैं। ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी ज़ीरो ले लेते हैं, फर्स्ट स्टेट पे एनर्जी वन ले लेते हैं। मैंने आपको बोला कोई इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो आपको पता है जब यहाँ से वो यहाँ जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्प्शन होगी किसकी? एनर्जी की। हम ये चीज़ मानते हैं। चलिए, अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। और यदि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, तो बिट ऑब्वियस है वो साथ में एनर्जी जो है वो
रिलीज करेगा, जिसे आप बोलते हो एमिशन, यही होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसके साथ। अब बात हो रही है हमारी एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन की। कहता स्टिमुलस, यानी कि एब्जॉर्प्शन जो है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं इसलिए अभी एब्जॉर्प्शन को लेके चलूंगी। एब्जॉर्प्शन जो है बाय स्टिमुलस होगी, अपने आप नहीं होगी। अब एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं मतलब कि हमने ये वाला केस अभी कंसिडर नहीं करना। हम कंसिडर कर रहे हैं कौन सा केस अपना, सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी का। तो मैं इसे रब कर देती हूँ। चलो, हमने बात ही सिर्फ किसकी करनी है, इस केस की। कहता है इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे था, एनर्जी अब्जॉर्ब की और कहाँ पहुँच गया, पर वो अपने आप नहीं गया, हमें उसको कोई साथ में क्या प्रोवाइड करवाना पड़ा, स्टिमुलस प्रोवाइड करवाना पड़ा। ठीक है, तो इफ़ इट इज़ बिफोर अब्जॉर्प्शन एंड आफ्टर अब्जॉर्प्शन की बात करूँ, कहता फोटोन जो है हमें यहाँ पे एक प्रोवाइड करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू, सपोज मैंने कोई फोटोन था जिसकी एनर्जी एच न्यू नॉट थी, इज सप्लाइड। जैसे ही मैंने एक फोटोन प्रोवाइड किया, फोटोन आया, फोटोन आके किससे टकराया, इससे टकराया और यहाँ पे ये जो है आगे ट्रांसफ़र हो गया कहाँ, ऊपर। फोटोन ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड टू एटम एंड इट मूव्स टू एक्साइटेड स्टेट। नाउ व्हिच इज एक्साइटेड स्टेट एंड व्हिच इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज योर ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज योर एक्साइटेड स्टेट। हो गया तक क्लियर होगा। एक टॉपिक किसका, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन का, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। कहता हमें एक स्टिमुलस प्रोवाइड करवाना पड़ेगा फॉर द एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो बाय स्टिमुलस होगी। वो कैसे होगी, एक फोटोन जिसकी एनर्जी एच न्यू नॉट, सपोज कर ली हमने, एनर्जी क्या होता है एच न्यू होता है ना एक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, तो मैंने एनर्जी सपोज कर ली है एच न्यू नॉट इनिशियली, वो हमने सप्लाई की है किसी एटम को और वो जो है एक्साइटेड स्टेट में मूव कर गया, यहाँ से वो कहाँ मूव कर गया, ऊपर मूव कर गया। इसे आपने नाम दिया है किसका, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का। सेकंड आ जाता है आपके पास स्पॉन्टेनियस एमिशन, नाम ही बता रहा है बड़ा खतरनाक नाम है, स्पॉन्टेनियस एमिशन। चल कोई बात नहीं, दो लेवल बनाते हैं, एक ले लेते हैं ई नॉट, एक ले लेते हैं ई। ये भी पता है ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है। चलो जी, अब बात करते हैं एमिशन की। अभी पीछे बता के आती हूँ, एमिट कब होगा, जब हायर लेवल से कहाँ आएगा, लोअर लेवल पे। बात हो रही है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, खुद से, स्पॉन्टेनियस अपने आप से खुद से। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा, वो अब क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट पे वापस आएगा। क्यों, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट पे जाके वो अनस्टेबल हो जाता है। किसी को भी पोजीशन नई नई मिलती है, वो अनस्टेबल हो जाता है ना, खुद में बहुत रोब आ जाता है, ईगो आ जाती है, तो वो अनस्टेबल हो जाता है एक्साइटेड पे जाके, और ज़्यादा से ज़्यादा 10^-8 सेकेंड ही वहां रुक पाता है, ज़्यादा नहीं। कितना टाइम, जस्ट 10^-8 सेकेंड। तो इस टाइम के बाद फटाफट वो क्या कोशिश करता है कि मैं कहाँ आ जाऊँ, वापस ग्राउंड पे आ जाऊँ। ठीक है ना भाई, तो सिंस, साथ साथ मैं बता रही हूँ, देखते जाइए अगर कॉपी करना है। सिंस द एटम स्टेज इन एक्साइटेड स्टेट फॉर एज लॉन्ग एज 10^-8 सेकेंड, पेपर में पूछा जाता है ये कितने सेकेंड के लिए, एंड आफ्टर दैट इट रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट। कहाँ वापस आ गया भाई, ग्राउंड स्टेट पे वापस आ गया विद, अब आपको पता है जब वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आएगा, एक एनर्जी रिलीज करेगा। अगर पहले वो एनर्जी
एच न्यू नॉट एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहा था, तो अब वो कौन सी एनर्जी, वही एच न्यू नॉट देगा भी तो, ग्राउंड स्टेट विद एमिशन ऑफ एनर्जी लेट अस सपोज एच नॉट, और इन दिस केस नोट बना लीजिए, स्पॉन्टेनियस है, नो स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड, किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप ही हो जाएगा, नो स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन अपने आप गया था, अपने आप ही वापस आ जाएगा, ठीक है। सो फोटोन एमिट होगा, वहां पे एक फोटोन मैंने आपको कहा था ना बाहर से देंगे, फिर वो फोटोन एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके, कौन सी एनर्जी एच न्यू नॉट ऑब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, अब जब वापस आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करता हुआ आएगा, वो भी तो फोटोन है जो उसने फोटोन से ली थी, तो फोटोन एमिट होगा एंड फोटोन एमिटेड आर रैंडमली ओरिएंटेड, रैंडमली ओरिएंटेड, अपने आप रैंडम ओरिएंट होते हैं। रिपीट कर रही हूँ ये चीज़ दोबारा सुनिएगा, स्टिमुलेटेड में स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट है, बट स्पॉन्टेनियस अपने आप होने वाले प्रोसेस हैं, अपने आप कैसे, सपोज कीजिए वो इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करके एनर्जी एच म्यू नॉट ऊपर चला गया, ऊपर जाके भाई अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया कितना टाइम रुका, सिर्फ 10^-8 सेकेंड, और फिर उसको जल्दी हुई कि भाई वापस जाना है, वापस जाएगा तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया था उतनी एनर्जी रिलीज करता हुआ नीचे आएगा, और जब रिलीज करता हुआ आएगा तो एक चीज़ एमिट होगी जिसका नाम दिया है फोटोन। तो ये था आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन, अपने आप होने वाला प्रोसेस, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट आ जाता है जी हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग, स्टिमुलेटेड एमिशन। अब मैंने आपको ये तो बता दिया, एक होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, एक होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। कहता स्टिमुलेटेड क्या है, कहता देखो वही दो घिसे पिटे से एनर्जी लेवल बनाइए, एक ग्राउंड स्टेट एक एक्साइटेड स्टेट। अब बार बार लिख रही हूँ तो समझ जाइएगा, एक ग्राउंड है एक एक्साइटेड है। यहाँ से एनर्जी अब्जॉर्ब करके वो ऊपर तो चला गया, दैट इज एच म्यू नॉट, और वहाँ पे अनस्टेबल भी हो गया, ठीक है। बट अगर तो वो अपने आप ही नीचे आ जाता है तो उसको आपने नाम दे दिया पीछे कौन सा, स्पॉन्टेनियस एमिशन। बट अगर भाई वो अपने आप वापस नीचे नहीं आ पा रहा तो आपको यहाँ पे कोई स्टिमुलस देना पड़ेगा, यानी फिर से एक फोटोन जो है वो कुछ एनर्जी का इसके साथ टकराना पड़ेगा। अब जब ये सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुँच गया है, अब यहाँ पे एक और फोटोन जो है इसके साथ आपको टकरवाना पड़ेगा ताकि ये वापस कहाँ आ जाए भाई, एनर्जी रिलीज। देखो अब जब हायर स्टेट से लोअर लेवल पे आओगे एनर्जी तो रिलीज होगी ही होगी, जब लो से हाई में जाते हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, इसका ध्यान रखना सिर्फ। तो जब आप इसे यहाँ पे टकराओगे तो यहाँ पे ये दो फोटोन्स जो हैं वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, दो फोटोन रिलीज करता आएगा, तो ध्यान रखना। और ये होगा कब, ये होगा तब अगर तो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है एनर्जी अब्जॉर्ब करते हुए, वहाँ जाके अनस्टेबल हो गया, अगर तो अपने आप वापस आता है तो वहाँ वो कितने टाइम के लिए रहेगा, 10^-8 सेकेंड के लिए, ठीक है। बट इन केस अगर वो वहाँ पे 10^-5 सेकेंड ही रहता है ना, तो इसका मतलब है वहाँ पे कौन सी एमिशन हुई थी आपकी, स्टिमुलेटेड एमिशन हुई थी, ना कि स्पॉन्टेनियस। तो ध्यान रखिएगा, एमिशन is achieved during less than 10^-8 seconds, so a photon is incident, कहाँ, इसके ऊपर एक photon को attack करवाना पड़ता है भाई, a photon is incident, और जब इंसिडेंट किया एक फोटोन तो मैंने आपको बताया क्या रिलीज होगा, टू फोटोन्स आर एमिटेड, साथ में दो फोटोन क्या हो जाएंगे आपके, एमिट हो जाएंगे, वन इज इंसिडेंट फोटोन जिसका आप नाम दोगे, एक फोटोन रिलीज होगा जो इंसिडेंट हुआ था, इंसिडेंट फोटोन, एंड
another is due to energy difference. Which energy difference? Now the question arises, which energy difference? Energy difference वो जब पहले वो absorb करके ऊपर गया और फिर वो emit करके नीचे, ठीक है। तो तीन तरह की emissions दोबारा बता देती हूँ। पहली stimulated absorption, stimulated का हमेशा याद नाम रखना कि एक stimulus बाहर से देना पड़ेगा भाई, बाहर से कोई चीज़ ना कोई चीज़ मंगवानी पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है जी। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करते हुए एनर्जी ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक फोटोन जिसकी एनर्जी एच म्यू नॉट है वो सप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो आए टकराए और इसको ऊपर पहुँचाए। उसके बाद आपने याद रखना है स्पॉन्टेनियस, वो जो अपने आप हो जाएगा, ये तब होगा जब टाइम जो होगा 10^-8 सेकेंड वो रहेगा ऊपर, ठीक है। और जितना उसने एनर्जी अब्जॉर्ब करके ऊपर गया था उतनी ही एनर्जी रिलीज करके वो नीचे आ जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई स्टिमुलस रिक्वायर्ड नहीं है, बट स्टिमुलेटेड एमिशन। अब वो ऊपर तो चला गया अपने आप बट नीचे नहीं आ पा रहा, तो वो कितना टाइम लेगा सीधा वहाँ रहने के लिए? 10^-5 और थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए स्टे वहाँ पे करेगा। जब वो थोड़ा टाइम ज़्यादा स्टे कर गया इसका मतलब अब उसे कुछ चाहिए कि वो वापस नीचे आए, तो वहाँ पे हम क्या इंसिडेंट करवाएंगे? एक फोटोन इंसिडेंट करवाएंगे। जब फोटोन इंसिडेंट कराएंगे तो वहाँ पे दो फोटोन्स एमिट हो जाएंगे, एक इंसिडेंट फोटोन और दूसरा जिसकी जो किसकी वजह से एमिट होगा, एनर्जी डिफरेंस की वजह से। यहाँ तो हमने एक ही फोटोन स्ट्राइक कराना है। जैसे यहाँ पे एक फोटोन एटम इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक कराओगे तो दो फोटोन्स जो हैं यहाँ से बाहर निकलेंगे, एक जिसको आप बोलोगे इंसिडेंट फोटोन, एक ड्यू टू एनर्जी डिफरेंस। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें और पढ़ लेते हैं, जिसमें एक टॉपिक आता है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है भाई जिसकी ये बात करना चाह रहा है, दैट इज हाईली डायरेक्शनल। लेज़र लाइट जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में होती है, बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शनल होती है। अगर मैं आपकी बात करूँ कन्वेंशनल्स की, कन्वेंशनल लाइक टॉर्च वगैरह कुछ भी ले लो, है ना, तो अगर आपने देखा होगा टॉर्च जो होती है इट विल बी लाइक इफ समथिंग लाइक दिस, तो उसकी लाइट जो है वो इस तरह से स्प्रेड हुई होती है, है ना। बट अगर हम बात करें लेज़र की, लेज़र लाइट अगर आपने देखी हो, बच्चे खेलते होते थे, एक पर्टिकुलर बीम ऑफ लाइट जो आप वॉल पे डालते हो, सपोज़ ये आपकी वॉल है, वॉल पे डाली तो एक पर्टिकुलर बीम ऑफ लाइट जो है वो वहाँ जाती है। तो टॉर्च जो है वो आपकी कन्वेंशनल सोर्स है। कौन सी सोर्स है? कन्वेंशनल सोर्स है। ये डायरेक्शनल नहीं है, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, बट जो लेज़र है ना इट इज़ हाईली डायरेक्शनल, ठीक है जी। और बहुत कम चांसेस होते हैं कि अपने पाथ से डाइवर्ज करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना एक डायग्राम सा है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम में क्या है कि इसका ध्यान रखना है आपको कि सपोज़ ये लेज़र लाइट आई, अगर ये अपने पाथ से डाइवर्ज की तो ये हल्की सी डाइवर्ज करेगी, एक एंगल दिया है इसको थीटा का नाम, ठीक है। और इसको आप बोलते हो अपर्चर ए, ए इज़ योर अपर्चर, ठीक है जी। और ये है बीम डायामीटर, ओके। एंड देन जेड, यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है, दिस इज़ जेड। जेड इज़ व्हाट? जेड इज़ नोन एज बीम डिस्टेंस, वेयर बीम साइज इज मेजर्ड। डिस्टेंस वेयर बीम साइज इज मेजर्ड, जहाँ पे आप बीम की साइज देखोगे। इसको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड आ जाती है, पहले हाई डायरेक्शनल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी, सेकेंड चीज़ आ जाती है बच्चे हाई इंटेंसिटी। अब बोल रहा है कि जो लेज़र्स हैं उनकी इंटेंसिटी बड़ी हाई है, बिट ऑब्वियस है अगर वो डायरेक्शनल है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसकी इंटेंसिटी हाई। क्यों? ड्यू टू स्मॉल डिफरेंस इन
डाइवर्जेंस, और आप कह लो नॉर्मली स्मॉल डाइवर्जेंस, सीधा ही लिख लो यहाँ पे स्मॉल डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस बड़ी स्मॉल है, अभी पीछे बताया अगर ये अपने पास से भटकती भी है तो सिर्फ इतना ही भटकेगी। दिस इज डाइवर्जेंस, दिस इज व्हाट डाइवर्जेंस। इफ दिस इज डाइवर्जेंस, क्योंकि वो बहुत कम डाइवर्ज हो रही है इसलिए उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, हाई होगी। हेंस स्मॉल डाइवर्जेंस है, हेंस फोकस्ड ऑन स्मॉल एरिया, छोटे से एरिया पे फोकस हो, ठीक है। और इसके लिए हमें एरिया जो है उसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, पाई लेमडा एफ अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और एरिया जो है उसकी वैल्यू जो आती है, इट इज़ 3×10^-12 मीटर स्क्वायर। दिस इज फॉर एरिया ऑफ फोकस्ड रीजन। फॉर अगर मैं कहूँ लेज़र 100 वॉट की है, फॉर 100 वॉट लेज़र एरिया इज कम आउट टू बी, एरिया नहीं इट्स आई इज कम आउट टू बी 3.33×10^13 वेब पर मीटर स्क्वायर का -2। आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है। तीसरा आ जाता है मोनोक्रोमेटिसिटी। मोनोक्रोमेटिसिटी, मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ। तो ध्यान रखिएगा, नंबर वन क्या था, हाईली डायरेक्शनल है, दूसरा हाई इंटेंसिटी है, तीसरा सिंगल वेवलेंथ है, मोनोक्रोमेटिक है बिकॉज फ्रिक्वेंसी डिफरेंस इज स्मॉल, ठीक है जी। और उसके बाद एक हमारे पास कोहरेंस। कोहरेंस का मतलब होता है लेजर लाइट की जो बीम है वो फेज में होती हैं, इट इज डिग्री ऑफ फेज कोरिलेशन, डन, फेज कोरिलेशन दैट एग्जिस्ट एट डिफरेंट लोकेशन एंड डिफरेंट टाइम। बस याद रखिए कोहरेंस जो है 100% कोहरेंट होती हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि यहाँ पे इस केस में आपके दो फोटोन एमिट होते हैं, जो ये तो दो फोटोन एमिट होते हैं ना आपके, ये किस में होते हैं, ये कोहरेंट होते हैं। क्या होते हैं, कोहरेंट होते हैं, कोहरेंट इन द सेंस कि इनका फेज सेम होता है, सेम फेज सेम फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और सेम स्टेट, सेम स्टेट, सेम स्टेट होती है फ्रिक्वेंसी और फेज एंगल को बोल रहा है वो, फेज जो है वो सेम होता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला हाईली डायरेक्शनल है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, इंटेंसिटी हाई है क्योंकि डायरेक्शनल है, तीसरा मोनोक्रोमेटिसिटी है, और चौथा जो है आपका क्या है, कोहरेंस है। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। तो आई होप आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। तो इफ़ इट इज़ फाइन देन आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। और नोट्स जो है मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे शेयर कर रही हूँ, आपको उस चैनल पे मिल जाएंगे डिटेल्ड नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।